सभी का स्वागत है। सो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं, यानी अभी टाइम हो रहा है 9:30, और बाकी का मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे स्कूल चले गए से 7:30 बजे। तो उसके बाद, उसके पहले मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि नहीं हो पाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हीं के काम में सारा टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वीडियो नहीं मैं शूट कर पाती हूँ। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी झाड़ू पोछा बाकी का सारा काम हो गया है। सो आज देखते हैं मेरे ब्लॉग में आपको नया देखने के लिए क्या मिलेगा, क्या कर पाती हूँ मैं इस ब्लॉग में, कुछ नया ही होगा आज तो, शायद स्पेशल होगा, कुछ डेली ब्लॉग से स्पेशल होगा, तो मुझे भी नहीं पता आज क्या स्पेशल होगा, बट आपको नया देखने को ही मिलेगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं खुद भी नहीं नहाई हूँ अभी, और मुझे परी को नहलाना है, बाकी कुछ काम करने हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। सो मैं यहाँ पे जा रही थी परी को नहलाने के लिए, तो यहाँ पे ये मेरी दीदी की लड़की खेल रही है, बहुत ही क्यूट सी है, दोनों मैंने साथ साथ खेलती हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे से झगड़ने लगी। सो इसका नाम, मेरी बेटी का नाम लायरा है और दीदी की बेटी का नाम मायरा। सो क्लीनिंग सारी हो गई थी यहाँ पर, अच्छे से पोछा वाछा सब सब कर दिया था मैंने। तो ये मेरी किचन है और ये मेरा रूम। सो अभी मैं निकालूँगी अपने नहाने के लिए कपड़े, क्योंकि मैं परी को नहलाती हूँ तो भीग जाती है, तो इसलिए फिर मैं कपड़े अपने पहले ही निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भीग जाती हूँ तो फिर सारा फर्श गीला हो जाता है, इस वजह से मैं पहले ही कपड़े रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने परी को नहलाया, फिर नहलाने के बाद उसके बाल बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी शरारत करती है, कपड़े नहीं पहनती है, तो इस वजह से ऐसे बहुत टाइम लग जाता है इसको कपड़े बनाने में, इधर उधर कपड़े पहन लिए तो बांधने बांधने देती है। सो ऐसे ही सारा टाइम, कम से कम आधा घंटा ले लेती है अपने नहलाने में और कपड़े पहनाने में। सो मैं यहाँ पे परी को पहना रही हूँ कपड़े, मतलब उसके बाल बना रही हूँ, और सॉरी थोड़ा सा लाइट से थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा है। सो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, रात के 10 बजे। सो मैं वीडियो एडिट 10:30, यानी नहीं 10 बज रहे हैं, और आज है जन्माष्टमी, मेरे कान्हा का जन्मदिन। सो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, और वो भी ब्लॉग मैंने शूट किया है। पहले मैंने सोचा पहले इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करूँगी, फिर मेरा जन्माष्टमी का ब्लॉग आएगा। दूसरे दिन यानी कि 9वीं वाले दिन 20 तारीख को है, बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग आएगा। हमारे यहाँ पर 9वीं को बहुत ही प्यारे फंक्शन होते हैं, यानी झार बाबा का मेला लगता है, वो भी ब्लॉग आएगा मेरा। तो यहाँ पे परी कर रही है शरारत, सो बोल रही है बाय बाय। सो मैं यहाँ पे नहा करके आ गई थी, तो मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ पहले टोनर, क्योंकि टोनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, आपके फेस पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो सारे मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो आप लोग मेरी मेकअप की शॉर्ट वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, सो प्लीज़ देखा करो मेरी शॉर्ट वीडियो, बहुत अच्छी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लगाया है एल कुटनिस का मॉइस्चराइज़र, सिर्फ मैं यही डेली में यही यूज़ करती हूँ, और कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पर, या तो सनस्क्रीन या ये सब, बस कभी कभी कर लेती हूँ, नहीं डेली का भी नहीं है, मन करता तभी कर लेती हूँ। सो आज मेरा मन कर रहा था तो कर लेती हूँ, नहीं तो सिंपल भी रहना पसंद ज़्यादा है मेरे को, मन करता तो कर लेती हूँ वैसे तो मैं। सो यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया, अपनी मांग भर ली, और एंड बिंदी मेरी मैं हो गई कम्प्लीट। सो अभी मैं जाऊँगी छत पे कपड़े सुखा के लिए, और मैं अपने बालों को सिक्योर किया था, बाल धोए नहीं है क्योंकि कल जन्माष्टमी वाले दिन बाल धोने हैं, तो इस वजह से मैंने बालों को धोया नहीं था। तो अभी एकदम ठंडा ठंडा, और परी आई मेरे साथ, परी परी परी। कौन है ये? ये तो मेरी क्यूटी पाई है। सो अभी मैं सुखा लेती हूँ अपने कपड़े, छत पे पहले से ही कपड़े सूखे हुए हैं, और हवा चल रही, मौसम बहुत ही प्यारा है। तो पता है अभी कान्हा के जन्मदिन की बहुत सारी तैयारियाँ हो रही हैं, बाहर बच्चे बलून फुला रहे हैं। सो शोर शराबा थोड़ा सा आप लोगों को आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ ज़्यादा
गौर मत करना, क्योंकि बच्चे शरारत तो करते रहते हैं। तो सजावट करनी है ना कान्हा के बर्थडे के लिए, उनके मतलब उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है सजावट। देखिए बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, और बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। कैमरे में तब तक मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी मुझे एडिट करने में अच्छा लग रहा है। तो मैं नीचे आ गई थी, नीचे आने के बाद मैंने खाना खाया हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, हम साथ में ही खाया था हम दोनों ने। तो यहाँ पे ये बैंगन की सब्ज़ी और ये आलू प्याज की नहीं सॉरी टमाटर प्याज की चटनी, ये मेरी फेवरेट चटनी है। सो अभी मैं शाम के 2 बज रहे थे दोपहर के, बच्चे आ गए थे स्कूल से, सो मैं उनके लिए बना रही हूँ दूध। और ये मेरे छोटे बेटे का फेवरेट ग्लास है, वो इसी ग्लास में दूध पीता है, ये उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था उसके पापा ने, तो वो इसी ग्लास में दूध पीता है, किसी ग्लास में दूध नहीं पीता, तो मैं इसी ग्लास में उसको दूध देती हूँ। तो पहले छोटे बेटे को देना है, फिर बड़े बेटे को देना है। सो ये है बड़े बेटे का, वो इसमें दूध पीता है, वो इसके अलावा किसी ग्लास व्लास किसी में भी दूध नहीं पीता, वो इस देकर में ही दूध पीता है। इसको लेकर के आए थे उसके बड़े पापा, तो ये उसका फेवरेट है, दोनों ऐसे ही दूध पीते हैं। मैं उसको दूध दे दूँगी, क्योंकि अभी आए हैं तो फिर स्कूल से लंच वगैरह कर लेते हैं, तो फिर घर पे आके खाना नहीं खाते हैं वो, तो मैं उनको आते ही दूध दे देती हूँ। वो यहाँ पे ड्राइंग बना रहा है, ये मेरा बड़ा बेटा है, पी नहीं रहा है, नखरे करता है, बहुत नखरे करता है, ये नखरेबाज लड़का है। और यहाँ पे परी कर रही है शरारत, क्योंकि ये अभी सो करके जगी थी, बच्चों ने आके तेज़ तेज़ से यानी बहुत तेज़ हल्ला कर दिया था, इस वजह से परी भी जाग गई थी। तो यहाँ पे ये कुछ बोल रही है मनाने के लिए। सो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है प्रसिद्ध चीज़ है, यानी कि मेरी बुआ जी आई थी, सो वो अपने यहाँ का मतलब प्रसिद्ध चीज़ लेके आई, तो ये है उनके यहाँ का खुजला और रसगुल्ले लेकर के आई थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। तो अभी शाम के बज रहे थे 6:30, तो मैंने आटा वाटा लगा लिया था, और मैं जाऊंगी आज छत पे रोटी बनाने के लिए, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। फुल बूढ़ी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे बना रही चूल्हे पे रोटी, और ये है मिट्टी का तवा, और इस पर इतनी गजब की रोटी लगती है ना, बहुत ही प्यारी प्यारी रोटी लगती है, और बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है, जितना लोहे के तवे पे आता ना उतना सॉरी जितना मिट्टी के तवे पे आता ना लोहे के तवे पे नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट फटाफट से रोटी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत है और बारिश का भी मौसम हो रहा था, और गैस पे मेरे पे रोटी बनाई नहीं जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रोटी बनाने में इतनी देर तक बैठे रहना, और चूल्हे पर तो सट सट बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चूल्हे बनाने में। सो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही रोटी बना रही हूँ, मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ थोड़ा बहुत जो भी है मेरा ब्लॉग में। सो यहाँ पे बैठे थे मेरे देवर, खास नहीं है पड़ोस में थे, सो वो बैठे थे, वैसे ही बातें कर रहे थे, बोल रहे थे भाभी मत लो मैंने ऐसे ही बना लिया। सो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है शाम का, बारिश का सा भी हो रहा है और ऐसे खुला खुला सा भी, मतलब कुछ भी नहीं पता ये मौसम इस टाइम का है ही ऐसा, कब बरस जाए और कब खुल जाए कुछ भी नहीं पता। सो ये छोटा सा छत का व्यू है मेरा। तो मुझे रोटी बनाते बनाते बच गए थे 8, क्योंकि आज खाना थोड़ा ज़्यादा बना था, सो इस वजह से फाइनली मैंने रोटी को बना लिया। फिर मैं आई थी नीचे, फिर हमने खाया खाना, यहाँ पे ये है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और प्याज टमाटर की चटनी शाम को बनाई थी। सो खाना खाने के बाद हम मतलब मैं खाना खाने के बाद पहले तो नहा कर गई थी रोटी बनाने के बाद, फिर हमने खाना खाया, फिर बच्चे सो गए थे। सो यहाँ पे परी कुछ अपने पापा से बोल रही है, आज परी को सारा दिन बोलते बोलते ही हो गया मेरे पूरे ब्लॉग में, परी परी आएगी। फिर मैंने दोपहर के समय में बनाई थी ये सेवैयाँ, और ये मेरी फेवरेट हैं, तो मैंने नाइट में ये खाई थी क्योंकि कल का व्रत रहेगा। सो अब आ जाता है मेरा टाइम मेरे थोड़ी बहुत केयरिंग का, इतना सारा काम करने के बाद मेरी थोड़ी बहुत केयर करने का टाइम आता है। तो अभी बज रहे थे 10 बजे, मैं अपने बालों में कर रही हूँ ऑयलिंग। सो ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कल बाल धोने हैं, क्योंकि कल मेरे कान्हा का जन्मदिन है, सो इस वजह से मुझे बाल धोने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर शाम को ही ऑयलिंग कर लेती हूँ, जिस दिन मैं बाल धोती ना उससे दूसरी मतलब जैसे कि सुबह मुझे बाल धोने, तो मैं नाइट में ही ऑयलिंग कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। सो मैंने बालों में तेल कर लिया था, मतलब ऑयल लगा लिया, फिर मैं यहाँ पे एक बन बना लूँगी,
चोटी बना के मेरे पे सोया नहीं जाता है, सो मैं ऐसे ही सिंपल सा बना लेती हूँ। सो मैंने बहुत जल्दी किया ऑयल लगाने के लिए, वैसे तो 15 मिनट लगे थे मुझे पूरे, बट मैंने वीडियो में जल्दी जल्दी एडिट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वैसे भी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, ज़्यादा गौर मत करना और वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो अभी बज रहे थे यहाँ पे 10:30, तो मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तो मेहंदी लगाना भाई मेरा तो बनता है क्योंकि मेरे को बहुत फेवरेट है मेरी मेहंदी। यानी कोई भी फेस्टिवल जाता नहीं है मेरे से, मैं मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। सो सब लोग बाहर सो रहे थे तो मैं कमरे में बैठ के मेहंदी लगा रही थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो देखिए मेरी मेहंदी कैसी लगती है, अच्छी लगेगी या बुरी, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो और आज का ब्लॉग मैंने शूट किया है जन्माष्टमी का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और शायद वो ब्लॉग मेरा पता नहीं कब आएगा, कल परसों में पता नहीं, बट है बहुत इंटरेस्टिंग, ज़रूर देखना। और पता नहीं मैं इस वीडियो में इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रही हूँ, पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, मेरे मुझे खुद नहीं पता इतनी फास्ट फास्ट बोल रही हूँ मैं। और आज मेरा पूरा ब्लॉग ऐसे ही वॉइस ओवर में ही निकल गया, बस सुबह की सुबह से ही बात हुई आप लोगों से। सो पूरे ब्लॉग में ही मेरे में वॉइस ओवर ही है क्योंकि मैं डायरेक्टली वीडियो नहीं बना सकती हूँ घर वालों के सामने, क्योंकि मैं छिप छिप के वीडियो बनाती हूँ, साफ सी बात बता दूँ आप लोगों को। सो डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस ओवर में क्या है, वीडियो तो मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को। सो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत लग चुकी है और थोड़ी बहुत बचेगी वो मैं लगा लूँगी, क्योंकि ऐसे मैं आप लोगों को दिखा दिखा के लगाऊंगी तो मेरे को पूरे 2 घंटे लग जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लीज़ बाय। सो इस ब्लॉग का मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।